चिराग बुझ गया। मेरा मेरा नहीं, मेरे गांव का एक लड़का था, उसका एक ही एक्सपायर हो गया। जिसके दो थे उसके दो एक्सपायर हो गए। एक एक चिता में दो दो बच्चे जड़े हैं। ये सड़क हादसा नहीं है, ये एक सरासर मर्डर है। मेडिकल तो जी, बिल्डिंग तो बहुत बड़ी है। ये हमारे बच्चे गए थे, हम उनको ढूंढने में ही लगे, हमारे बच्चे ही नहीं मिले 2 घंटे तक। तो हमें पुलिस जो करेगी वो कर लेगी, लेकिन हमें तो जब संतुष्ट हो, आज जब आगा खातर कोई प्रबंध हो। महेंद्रगढ़ में एक दर्दनाक सड़क हादसा होता है जिसमें 6 बच्चों की मौत हो जाती है। हम उन बच्चों के जो मृतक थे उनके परिजनों के पास मौजूद हैं। इनसे जानकारी लेंगे कि किस तरह से पूरी घटना हुई और ये किसकी लापरवाही मानते हैं। युवराज जो बच्चा था उसके पिताजी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, कैसे, क्या आपको सूचना मिली? जी, हमारे पास फोन आया था हमारे गांव के लड़के का। अब भाई, मैं मेरे बच्चे तो ले आया और वहाँ बस एक्सीडेंट हो गई, तो मैं वहाँ से यहाँ से तुरंत गया वहाँ पर। लेकिन आप गलत बोल रहे हो जी, ये सड़क हादसा नहीं है, ये एक सरासर मर्डर है। क्यों? जब खेड़ी गांव में बस को रोक किया गया, उसकी चाबी छीन ली गई, फिर उन्होंने फ़ोन किया है जो स्कूल का जो भी मेन आदमी था उनके पास, अब भी आपके ड्राइवर ने शराब पी रखी है, तो वो बोले कि ये तो ऐसे ही शराब डेली पीता है, आप इस बस को छोड़ दो और नहीं तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। उन्होंने अपने बच्चे उतार लिए और बस को छोड़ दिए। फिर वो हमारे गांव में आ गए। 6 महीने पहले 2 बार बच्चों ने बताया कि ये ड्राइवर बदमाश। मैं सुभाष को 2 बार कह के आया हूँ, एक बार शुरुआत में गई, फिर उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। 10 दिन बाद मैं फिर गया हूँ, फिर मैंने कहा तो उन्होंने कहा भाई साहब आगे से कोई शिकायत नहीं आएगी। सुभाष कौन है? चेयरमैन का लड़का है। चेयरमैन का लड़का, स्कूल चेयरमैन का लड़का। तो जी, इसकी पूर्ण जांच होनी चाहिए और जो दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और मेरी आपसे और जो मेरी आवाज़ को सुने उनसे एक ही रिक्वेस्ट है, जो हमारे साथ जो ज़बरदस्ती ये जो घटना घटाई गई उसको तो हम भुगत लेंगे, लेकिन आगे किसी मासूम बच्चों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके लिए इन स्कूलों के ऊपर कोई नियम कायदे कानून बनाए जाए। नियम तो पहले भी बहुत होंगे, लेकिन उनके ऊपर है ना कोई मतलब अब भी पुख्ता वो नहीं हो रहा और आगे भी शायद ऐसा ही होगा। नियम बनाओ फॉलो करने के लिए, ये न कि पर्चों में दर्ज हो जाए। बस मैं आपसे यही कह रहा था। कितने लोग बच्चे आपसे यहाँ से इस स्कूल में जाते थे गांव से? कम से कम 20 के आसपास बच्चे जाते थे, जिसमें तो 4 बच्चे तो मेरे थे, जिसमें से एक बच्चा तो मैंने पिछली बार निकाल दिया था और अब ध्यान तीनों के निकलने के थोड़े थे, लेकिन एक बच्चा था उसके थोड़ी लगी, वो एडमिट है रोहतक PGI में, उसकी वजह से मैं थोड़ा सा निर्णय नहीं ले पा रहा, नहीं तो मैं मेरे इन बच्चों को निकाल लेकर। मेरे को पहला पता लग गया था बच्चों को बताने से कि भाई ये माहौल ठीक नहीं है। तो स्कूल प्रबंधन की पूरी लापरवाही रही है। और जी किसकी कहें, जब उनके पास फोन चले आ गया, अगर उसे एक फोन के ऊपर अगर रिएक्शन ले लेते, उस बस को वहाँ खड़े करवा देते या उसके साथ चाबी छीन लेते, दूसरा ड्राइवर भेज देते, तो हमारे बच्चे बच सकते थे। हम जैसे कोई एक्सीडेंट हो जाए, ब्रेक फेल हो गया, टायर फट गया, भाई पासिंग करते हुए कोई घटना घट गई, तो हम मान लेते भाई ये दुर्घटना है, भगवान की मर्जी है। लेकिन ये भगवान की मर्जी थोड़ी है, हमारे बच्चों को मारा गया। मेडिकल सुविधाएं भी नहीं है जिले के अंदर? मेडिकल तो जी, बिल्डिंग तो बहुत बड़ी है। ये हमारे बच्चे गए थे, हम उनको ढूंढने में ही लगे, हमारे बच्चे ही नहीं मिले 2 घंटे तक। तो हमें फिर बच्चे मिले तो उनको तो बस नाम मात्र का है, भाई कोई वहाँ लिटा रखा है, कोई वहाँ लिटा रखा है। वो एक इतनी बड़ी घटना होगी, इतने तो उनके पास डॉक्टर तो कहते चपरासी भी नहीं थे, अब उन बच्चों के पास एक एक खड़ा हो जाए। 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, क्या पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट है? देखो जी, पुलिस जो करेगी वो कर लेगी, लेकिन हमें तो जब संतुष्ट हो, आज जब आगा खातर कोई प्रबंध हो। क्या मानते हैं? मान ले कार्रवाई ने तो ईमान लेके ना उनके ऊपर मुकदमा बना दिया, वो 2-4 दिन अंदर रह जाएंगे, फिर बाहर आ जाएगा, या क्या कार्रवाई करो? तो इनके ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज करो, या फिर जो आगे के नाम से भविष्य में ऐसी घटना नहीं घटे उसके लिए रूल फॉलो करो। क्या और भी गिरफ्तारियां होनी चाहिए स्कूल के? जो गिरफ्तार दो दोषी है इनमें बचने नहीं चाहिए। भाई हमारा तो चिराग बुझ गया। मेरा मेरा नहीं, मेरे गांव का एक लड़का था, उसका
एक ही एक्सपायर हो गए, जिसके दो थे उसके दो एक्सपायर हो गए, एक एक चिता में दो दो बच्चे जड़े हैं। बिल्कुल, ये और ये जबरदस्ती जलाए गए। मैं आपसे यही विनती करता हूँ आगे से ऐसी घटना नहीं घटे। इसके लिए जो एक बात और मेरे ध्यान आ गई, ये एक इस स्कूल की घटना नहीं है, ये जितने भी स्कूल है सबका एक ही फॉर्मूला जो ये अपना रहे हैं सभी का है ये, तो रूल सभी के लिए होना चाहिए और आम जनता को न्याय मिलना चाहिए। और आगे ऐसी घटना होगी तो ये तो जैसे तैसे करके देखी बजाय, लेकिन आगे वाली सहन होगी नहीं, लोग सड़क पे आ जाएंगे। बिल्कुल, ये युवराज के परिजन थे जिन्होंने साफ तौर पर कहना है कि जो दोषी है उनको कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए तथा किसी भी दोषी को इस मामले के अंदर बख्शा नहीं जाना चाहिए और आगे के लिए सरकार को ज़रूर जो सख्ताई करनी चाहिए ताकि इस तरह का हादसा आगे ना हो सके। अक्षय यादव, महेंद्रगढ़।